डीनो भाई, डीनो जेम्स ऑन द करो। सूरज पंचोली मैंने खुद ने मिला हूँ। आर अमेजिंग। अरे और एनर्जी लव। Hi, what's up guys? Welcome back to my channel. I'm really sorry कि मैं last Saturday vlog नहीं डाल पाया। आज मैं अपने vlog में cover करूँगा कि मैं रोज क्या करता क्या हूँ मैं, मतलब मेरा daily routine होता क्या है, कि मैं कितने बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरी life पिछले कुछ 10 दिनों में बहुत change हो चुकी है and उसी के regarding मैं vlog नहीं बना पाया because life is super super tight। मैंने एक क्लब के अंदर एज अ रेजिडेंट डीजे ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर मुझे रोज जाना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम दिस वन डे ऑफ एंड स्लीप शेड्यूल इज बैडली फक। तो अभी मैं दिन में 2 बजे उठ रहा हूँ लिटरली, और ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा आलसी या कुछ हूँ, बट मैं सुबह 6 बजे सो रहा हूँ कि मेरे को म्यूजिक भी बनाना होता है। और चलो उठते हैं यार अब, और इसको चद्दर भी फाड़ के फेंकते हैं। तो ये और भी, तो मैं यहाँ वर्क करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा माहौल लगता है। तो अब चलते हैं बाहर, और टिकली से मिलते टिकली टिकली। तो गाइस सबसे पहले उठते ही मैं थॉर की चाटे लगाता हूँ, क्योंकि थॉर मेरे साथ सोता है रात में, सुबह उठ के ही चला जाता है रूम के बाहर, क्योंकि ये रात को मेरे को हम्प करता रहता है कभी कभी। ठरकी सारा ठरकी 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 थॉर। तो गाइस ये व्यू आता है हमारी बिल्डिंग से, ये है पीछे का व्यू और ये है आगे का व्यू। तो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ से आपको पानी भी दिख रहा होगा। हाँ गाइस वो पानी ही है, वो वर्सों का बीच है। तो यूजुअली मैं यहाँ खड़े होकर चाय पीता हूँ, अभी घर पे कोई है नहीं और मेड भी नहीं है, तो चाय खुद बना के पीनी पड़ेगी या नीचे से मंगवाऊंगा। बट तो मैं 2 बजे के उठने के बाद में अभी मैं नहाता नहीं हूँ, सबसे पहले मैं फिगर आउट करता हूँ कि भाई ने रूम में झाड़ू लगाई कि नहीं, क्योंकि रूम में डॉग रहता तो भाई झाड़ू ही नहीं लगाती, पैसे पूरे लेती लेकिन झाड़ू नहीं लगाती। उसके बाद मैं खाना फिगर आउट करता हूँ कि खाना बनाए कि नहीं, खाना नहीं बना होता है तो बनवाता हूँ, नहीं अगर नहीं होते रिसोर्सेज तो मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ या फिर। उसके बाद थोड़ा म्यूज़िक पे बैठता हूँ कि क्या करना है, मेल्स वगैरह चेक करता हूँ। उसके बाद बच जाता है 5, फिर मैं नहाने जाता हूँ, फिर मैं पूजा करता हूँ और फिर मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। भाई मैं जिम जाने लग गया हूँ, बाकी मेहनत कर रहा हूँ जिम में, अभी मेरे को 15 दिन हो चुके हैं और मैंने आई थिंक 3 kg लॉस भी कर लिया है। सब गाना सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं थोड़ा म्यूज़िक चलाता हूँ ताकि घर में थोड़ा वाइब रहे, और फिर अब मैं खाना तो बन गया है तो खाना खाता हूँ। देखो गाइस जिम जाने के नतीजे हैं ये, डाइट फूड दलिया दलिया गाइस दलिया, लो फैट फूड सुधर रहा हूँ मैं, रेडबुल से डाइट कोक की जर्नी सबका सफर पूरा कर चुका हूँ मैं। पिछले 15-20 दिन से एक भी रेडबुल नहीं पिए, जो कि मैं पहले रेडबुल का ऑयल था, रेडबुल पीता था 24 कैन एक महीने से भी, मतलब 24 से भी ज़्यादा कैन पीता था एक महीने में। देखो यार यो गाइस, तो मैं रात के रेडी हो चुका हूँ और अब मुझे जिम के लिए रेडी होना है, तो बस उसके बाद क्लब भी जाना है, तो जल्दी से जिम करेंगे और आज मेरा शोल्डर डे है। देखो गाइस व्यू देखो, व्यू व्यू व्यू, वो है वर्सोवा बीच। अगले व्लॉग में डेफिनेटली मैं वर्सोवा बीच जाऊँगा, और यहाँ पे कुछ रिवर है और ये बिल्डिंग्स है। इस एरिया का नाम है लोखंड वाला ओल्ड माड़ा, बट आई ट्रूली बिलीव कि पुरानी बिल्डिंग का व्यू बहुत अच्छा था, ज़्यादा अच्छा था, बिल्डिंग्स बहुत एकदम एकदम न्यूयॉर्क की वाइब आती थी, बट यहाँ से अरेबियन सी दिखती है यहाँ से। Few moments later. मैं तो एकदम रेडी हूँ मस्त, बट मेरे जो मेट्स हैं वो भी मेरे साथ जिम जाएंगे, तो उनका वेट कर रहा हूँ रेडी होने का। तो गाइस मेरे से उनका वेट ही नहीं हो रहा था, तो मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है यार। वो जो दलिया था वो टेस्ट ओकेज था, मतलब खाया नहीं गया तो मैंने पूरा नहीं खाया। तो बेसिकली मैं अभी भी भूखा ही हूँ, तो और मैंने चेक किया कि फ्रूट्स भी खत्म हो गए, तो नीचे जाके मैं थोड़ा बनाना खाऊंगा। और अंकल केले के भाव क्या, बहुत कम केले, 10 रुपये के 2 केले। गाइस तो केला बहुत ही मस्त एकदम पका हुआ है। अरे गणेश आचार्य है, ऑटो में घूम रहेगा। गाइस मेरी बिल्डिंग है वो वाली, दो लड़के लड़की जो आ रहे हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। सेलिब सेलिब भाई, स्टार प्लस की हीरोइन है। साथ ही मारा साथी, साथ निभाना साथिया। और नितिन भाई क्या हाल है? बस ठीक है, तुम बताओ कैसे ब्रो? बढ़िया। लाल रंग का टाइगर कौन है? अरे तो फुल मजे हैं आपके, जलवे हैं जिम में यार। गाइस मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि ये सीन क्या है इधर का। तो बेसिकली ये जो लेन है ना, ये ओल्ड माड़ा रोड है बेसिकली। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे ना, ये सब टीवी प्रोडक्शन हाउसेज है, बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज है। जैसे आपको वो दिखेगा, मैं दिखाता हूँ, ये शक्तिमान, तो जो गंगाधर शक्तिमान है ना, ये उन्हीं का इंस्टीट्यूट है। अब हवा में रहते हो लेकिन हाँ, ये HR, ये हमेशा शिमला। हाँ अच्छा, मैं
मैं बताता हूँ जिम में हमारे भाई कौन कौन आता है भाई, कौन आता है? एलिगोनी मैंने खुद ने देखा है, सूरज पंचोली मैंने खुद ने मिला हूँ, शेफाली वाला, हाँ, और वो शेफाली खुद हाँ जहरी वाला जो भी, और डीनो भाई, डीनो जेम्स तो दोस्त ही बन गए, और भी बहुत सारे हैं, मतलब सब सब एक्टर्स वगैरह ही आते हैं। और ये देखो ना भाई दीपाली सैनी, इनका इंस्टाग्राम देखो, ये रहा आप चेक करना है इन्होंने कितने काम किए। और ये नितिन भाई का ये रहा इंस्टाग्राम, ये रहा, ये है ना, काफ़ी खाली लग रहा है। हाउ आर यू ब्रो? ऑल गुड गाइस, आई एम डन विद द वर्कआउट। ये रिंग क्यों रही है? व्हाट्स अप? वर्कआउट करने के बाद कब लोग ऑन द करो? क्या करूँ ये वो सब गाइस, तो मैं आ गया हूँ घर और मैं ये खा रहा हूँ फिंगर्स जिसे हम बचपन में खाते थे। तो रास्ते में एक भैया बेच रहे थे तो मैंने खरीद, खाने के बाद मैं रेडी हूँ और क्लब के लिए निकलूंगा। आज है सैटरडे नाइट और आज अब हम बचाएंगे धूमधाम। यो व्हाट्स अप गाइस, एकदम रेडी हो चुका हूँ, चश्मा नीचे लगा रहा हूँ एंड गिग के लिए रेडी हो चुका हूँ। आज कल करने वाले अपन एमेथिस्ट अंधेरी वेस्ट, और मैं चाबी को लेकर जा रहा हूँ भाई, चाबी तो यहाँ रखनी है, शिट मैंने डिस्क नहीं बुलाई इधर, तो किल करने वाले हैं, सी यू एट द क्लब। So my name is After All, and I'm here to bang your fucking heads right now. Are you guys ready? Let's fucking do this. कनिष्का वत्सला, हाय हाय, या बिग फैन मोमेंट ब्रो, हाउ वाज इट पार्टी ब्रो? हाउ वाज द पार्टी? इट वाज अमेजिंग, मजा आपको, यू आर अमेजिंग, अरे व्हाट एनर्जी, लव्ड इट, you are amazing, thank you so that's much, that's all I want. Hi Kia, what's up? I'm gonna still call you Kia, I love that. He was a boy next door in that scene. Yo guys, what's up, just got home और बहुत ही किलर नाइट थी, और चेंज किया है घर आते ही, और बहुत ज़्यादा डर है, बहुत थक गया हूँ और मरने के इतना करीब हूँ। तो गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड मेरे ब्लॉग्स को लगातार देखते रहिए। हर सैटरडे 5 बजे मैं प्लीज़ ट्राई करूँगा कि मैं ब्लॉग्स डालूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है शूट करने में, बट मैं फालतू का कॉन्टेंट यानी कुछ भी कचरा नहीं देना चाहता आपको। तो सर मैं वेट करता हूँ टू समथिंग टू हैपन कि मैं कुछ एक्साइटिंग करूँ, बट पिछले वीक इतना टाइड अप था कि भाई कुछ कर ही नहीं पाया। मैं शूट कर भी रहा था लेकिन वो इतना एक्साइटिंग नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं।